Hello everyone! Welcome to my channel. This is me, somya and today we will discuss about most important question of pharmaceutical inorganic chemistry BP 104 B Pharma first year for semester. So in this video, we will discuss how to write it in the B form according to PCI, AKTU, and some other universities and college. So must watch video completely for the better understanding. So long question. सो लॉन्ग क्वेश्चन में जो है यहाँ पे टोटल मैंने टेन क्वेश्चन लिखे हैं तो ये टेन क्वेश्चन जो है मैक्सिमम टाइम सात नंबर में या फिर दस नंबर में पूछे जाते हैं सेक्शन बी और सी में तो ये सारे क्वेश्चंस जो है टोटल फाइव यूनिट से लिया है तो लॉन्ग क्वेश्चन में जो है डिफाइन टर्म इम्प्योरिटीज़ डिस्कस अबाउट द सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन अ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस तो जो इम्प्योरिटीज़ क्या होती है ठीक है और साथ में जो है उसके कितने सोर्स हैं ये सारी चीज़ें इसमें लिखनी है सेकेंड क्वेश्चन है डिस्कस द एपेरिटिस प्रिंसिपल रिएक्शन एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक और आयरन तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना है तो आर्सेनिक और आयरन का जो है अपेरेटस लिखना है प्रिंसिपल रिएक्शन प्रोसीजर तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखनी है टेस्ट में क्या होगा स्टैंडर्ड में क्या होगा दोनों में कंपेयर करके इस तरीके से पूरा रिएक्शन लिखना है और साथ में जो है इसका प्रिंसिपल भी लिखना है तो या फिर आर्सेनिक का पूछेगा या फिर आयरन का पूछेगा तो इसीलिए जो है इन दोनों को मैंने यहाँ पे इन्वॉल्व कर दिया है लिख दिया है थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ एंटा एसिड एंटा एसिड क्या होता है ये दो नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है डिस्क्राइब आइडियल प्रॉपर्टी एंड यूज़ ऑफ द एंटा एसिड एंड एक्सप्लेन सोडियम बाई कार्बोनेट अमोनीयम क्लोराइड तो डिस्क्राइब आइडियल प्रॉपर्टी यानी कि आइडियल प्रॉपर्टी क्या है एंटाइसिड की यहाँ पर वो लिखना है और साथ में उसके यूज़ लिखना है और सोडियम बाई कार्बोनेट क्या होता है और अमोनियम क्लोराइड यानी कि इसका भी जो है सेम प्रिंसिपल रिएक्शन प्रोसीजर ये सारी चीज़ें जो है इसमें लिखना है कि उसका नेचर क्या है उसकी प्रॉपर्टी क्या है और उसका रिएक्शन क्या है एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज वॉट इज हेमेटेनिक्स ये भी जो है समटाइम्स जो है टू नंबर के क्वेश्चन में पूछता है एंड एक्सप्लेन द प्रिपरेशन प्रॉपर्टी एसे एंड यूज़ ऑफ द फेरस सल्फेट तो फेरस सल्फेट का जो है प्रिपरेशन क्या है प्रॉपर्टी क्या है किस तरीके से बनता है ठीक है प्रॉपर्टी में उसका नेचर ऑर्डर टेस्ट कलर क्या है और इसका स्टोरेज क्या है स्टेबिलिटी क्या है केमिकल फॉर्मूला ये सारी चीज़ें जो है इसमें लिखना है फिफ्थ क्वेश्चन है वॉट इज द एंटी कैरीज एजेंट तो एंटी कैरीज एजेंट्स क्या होती हैं और एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ फ्लोराइड इन द डेंटल कैरीज तो जो डेंटल कैरीज है जो दांतों में यूज़ किए जाते हैं उसका उसमें जो है फ्लोराइड का क्या रोल है ये चीज़ जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करना है सिक्सथ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वेरियस मेथड फॉर एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी तो यहाँ पे जो है आइसोटोनिसिटी के डिफरेंट डिफरेंट जो मेथड होते हैं वो यहाँ पे लिखना है देन सेवेंथ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फिजोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस विद द सुटेबल डाइग्राम तो यहाँ पे जो है फिजोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस के बारे में लिखना है विद डायग्राम के साथ फिर एथ क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइट विद कंपोजिशन ऑफ इंपॉर्टेंट फिजोलॉजिकल आयंस डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ अ कैल्शियम सोडियम एज अ मेजर इलेक्ट्रोलाइट तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के बारे में डिफाइन करना है इलेक्ट्रोलाइट जो है तो इसका डेफिनेशन जो है दो नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ लेता है और फिजोलॉजिकल आयंस के बारे में भी दो नंबर में पूछता है और लॉन्ग में पूछेगा तो ये पूरा जो है आपको इसमें लिखना है कि उसका फंक्शन क्या है कैल्शियम का सोडियम का ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन डिटेल अबाउट द वेरियस टेक्निक्स यूज इन द मेज़रमेंट ऑफ़ रेडियो एक्टिविटी विथ सुटेबल डाइग्राम तो यहाँ पे जो है वेरियस टेक्निक जो बहुत सारे टेक्निक यूज किए जाते हैं मेजरमेंट ऑफ़ रेडियो एक्टिविटी में उसको लिखना है वो भी डायग्राम के साथ एंड द लास्ट क्वेश्चन इज गिव द प्रिपरेशन प्रॉपर्टी रिएक्शन यूज ऑफ अ पोटेशियम परमैग्नेट हाइड्रोजन पर सोडियम ऑर्थोफोस्फेट कॉपर सल्फेट सोडियम थायोसल्फेट कैल्सियम कार्बोनेट बोरिक एसिड जिंक सल्फेट तो इन सारे जो है ड्रग का आपको क्या लिखना है प्रिपरेशन प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी में जो ड्रग कैसा दिखता है और कलर क्या है ऑर्डर क्या है टेस्ट क्या है ठीक है स्टोरेज क्या है स्टेबिलिटी क्या है ब्रांड नेम क्या है उसका फॉर्मूलेशन क्या है केमिकल नेम क्या है मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है ठीक है उसका स्ट्रक्चर बनाना है रिएक्शन लिखना है और यूज़ लिखना है तो ये सारी चीज़ें जो है इन सारे ड्रग का मेंशन करना है तो ये सारे ड्रग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि मैक्सिमम टाइम एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो यहाँ पर टोटल जो मैंने टेन क्वेश्चन है उसी के बेसिस पे यहाँ पर मेंशन किया है तो ये जो है सात नंबर या दस नंबर के क्वेश्चन में आता है मैक्सिमम टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन है टू नंबर के तो ये जो दो नंबर के क्वेश्चन है जो कि सेक्शन ए का है फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फार्माकोपिया फार्माकोपिया क्या होता है एंड इन लिस्ट द डिफरेंट फार्माकोपिया और उसमें जितने भी लिस्ट होते हैं वो सारी जो है यहाँ पे लिखना है सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है विथ सुटेबल एग्जाम्पल एग्जाम्पल में आपको दो ड्रग्स के नाम भी लिखने एक्सपेक्टोरेंट के थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज ए क्लोरोहाइड्रिया एंड हाइपर क्लोरोहाइड्रिया तो हो सकता है सिर्फ इतना ही पूछे ए क्लोरोहाइड्रिया समटाइम्स जो है हाइपर क्लोरोहाइड्रिया भी जो है साथ में पूछ लेता है नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एस्ट्रिंजेंट अलॉन्ग विद द सुटेबल एग्जाम्पल तो एस्ट्रिंजेंट क्या होता है और साथ में उसकी एग्जाम्पल यानी ड्रग का नाम लिखना है फिफ्थ क्वेश्चन है क्लासिफाई इन ऑर्गेनिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या है उसके क्लासिफिकेशन लिखना है गिव कंपोजिशन ऑफ ओ आर एस सोल्यूशन यानी कि यहाँ पर जो है आपको कंपोजिशन लिखना है ओ आर एस सोल्यूशन का कि कौन कौन से ओ आर एस बनाते वक्त कौन कौन से कम्पोजिशन में ऐड होते कौन कौन से जो है सोल्यूशन ऐड होते हैं ठीक है ड्रग डिफाइन आइसोटॉप्स एंड आइसोबार तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं और आइसोबार क्या होते हैं ये चीज़ जो है डिफाइन करना है इसमें क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन अल्फाबीटा गामा रेस तो इसमें क्या करना अल्फ़ा क्या होता है बीटा और गामा रेज में क्या डिफरेंट है तीनों में यहाँ पे इसको पूरा डिफाइन करना है वॉट इज़ अ लिमिट टेस्ट लिमिट टेस्ट क्या होता है क्यों हम लोग लिमिट टेस्ट कराते हैं सोडियम का क्लोराइड का आयन का आर्सेनिक का हैवी मेटल्स का तो यहाँ पे इसको डिफाइन करना है कि लिमिट टेस्ट होता क्या है क्यों कराते हैं एंड राइट द प्रिंसिपल ऑफ क्लोराइड जो क्लोराइड है उसका प्रिंसिपल वगैरह क्या होगा टेन क्वेश्चन है डिफाइन एमेटिक एंड कैथरेटिक्स विथ एग्जाम्पल तो यहाँ पे जो है इमेटिक्स क्या होते हैं ठीक है और कैथरेटिक्स के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं ये लिखना है एलेवंथ क्वेश्चन है वट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ठीक है तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के हाफ लाइफ क्या होते हैं ट्वेल्थ क्वेश्चन है राइट द प्रिकॉशन डेट शुड बी टेकन इन हैंडलिंग ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल कौन कौन से प्रिकॉशन यूज किए जाते हैं ड्यूरिंग रेडियो फार्मास्यूटिकल हैंडलिंग में ठीक है तो ये सारी चीज़ें इसमें मैंसन करनी है और थर्टीन क्वेश्चन है डिफाइन डेंटिफ्राइस एंड एंटी रोड्स और एसिडिफायर्स यानी कि एसिडिफायर्स क्या होती हैं एंटी रोड्स तो ये सब जो है यहाँ पे डिफाइन करनी है तो जो दो नंबर के क्वेश्चन है यहाँ पे टोटल थर्टीन क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है जो कि मैक्सिमम टाइम एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये है लॉन्ग क्वेश्चन इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर थैंक यू